हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाई रिस्क न्यूबॉर्न। इंट्रोडक्शन। हाई रिस्क न्यूबॉर्न आर बेबीज हु आर इन रिस्क टू सर्वाइव फॉर लाइफ इन एक्स्ट्रा यूटेराइन एनवायरनमेंट आफ्टर द बर्थ। ठीक है, तो हाई रिस्क न्यूबॉर्न क्या होते हैं? ऐसे बेबीज जो एक्स्ट्रा यूटेराइन एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में जिनकी लाइफ को रिस्क हो, ठीक है, आफ्टर द बर्थ। These babies required a close, continuous monitoring and early care by the health professional. Nursing diagnosis for high risk babies. High risk babies के लिए क्या क्या nursing diagnosis है? Ineffective breathing pattern related to pulmonary and neuromuscular immaturity, decrease energy and fatigue. ठीक है, मतलब वो babies में क्या क्या देखेगी, क्या क्या डायग्नोस लगाएगी? इन इफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न होगा रिलेटेड टू पल्मोनरी या न्यूरोमस्कुलर इमेच्योरिटी, ठीक है, या डिक्रीज एनर्जी या फैटिंग। और इन इफेक्टिव थर्मोरेगुलेशन होगा उसमें रिलेटेड टू इमेच्योर टेम्परेचर कंट्रोल एंड डिक्रीज सबक्यूटेनियस फैट। ठीक है, रिस्क फॉर इन्फेक्शन होगा रिलेटेड टू डिफिशियंट इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस, इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस। ठीक है, तो डिफिशिएंट इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस के कारण उसमें इन्फेक्शन का रिस्क भी दिखाई देगा। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इनएबिलिटी टू इंजेस्ट न्यूट्रिएंट्स बिकॉज टू इमेच्योरिटी। ठीक है, रिस्क फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू इमेच्योर स्किन स्ट्रक्चर एंड डिक्रीज न्यूट्रिशनल स्टेट एंड मोबिलिटी। ठीक है, तो ये सब है नर्सिंग डायग्नोसिस। ठीक है, और भी है, पेन रिलेटेड टू प्रोसीजर डायग्नोसिस ट्रीटमेंट एंड हैंडलिंग। ठीक है, और डिले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा रिलेटेड टू प्रीटर्म बर्थ एंड एनआईसीयू एनवायरनमेंट एंड सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स। ठीक है, उसके बाद में इंटरप्टेड फैमिली प्रोसेस रिलेटेड टू सिचुएशनल क्राइसिस नॉलेज डेफिसिट। उसके बाद में लो बर्थ वेट इन न्यूनेट। तो लो बर्थ वेट न्यूनेट क्या होता है? लो बर्थ वेट न्यूबॉर्न बेबी मे बी डिफाइंड अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बेबीज विद ए बोर्न वेट और लेस देन 2500 ग्राम। तो WHO के अकॉर्डिंग लो बर्थ वेट बेबीज क्या होते हैं? जिनका बर्थ वेट 2500 ग्राम से कम हो। ठीक है, और वेरी लो बर्थ वेट बेबीज क्या होते हैं? जिनका वेट लेस देन 1500 ग्राम हो। ठीक है, और एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट क्या होते हैं? जिनका वेट लेस देन 1000 ग्राम हो। ठीक है, और माइक्रो प्री एमिक वेट, इसका मतलब होता है वेट लेस देन 500 ग्राम हो। इंसिडेंस क्या होता है इसका? इंसिडेंस होता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ लो बर्थ इन्फेंट इज डेवलपिंग कंट्रीज इज एनोरमस इन आउट 22 मिलियन सच इन्फेंट, इंडियन शेयर 7 to 10 मिलियन। ठीक है, तो डेवलप 7 to 10 मिलियन जो इन्फेंट होते हैं वो लो बर्थ वेट बेबीज की कंडीशन से अफेक्टेड होते हैं। लो बर्थ वेट बेबीज आर ब्रॉडली ऑफ टू क्लिनिकल टाइप। तो दो क्लिनिकल टाइप के होते हैं लो बर्थ वेट बेबीज। फर्स्ट आर दोज बोर्न विद 37 वीक्स जेस्टेशन पीरियड। मतलब लो बर्थ वेट बेबीज दो टाइप के होते हैं, दो क्लिनिकल टाइप होते हैं। पहला होता है कि जो 37 वीक जेस्टेशन वीक से पहले बोर्न हो गए हों उनको प्री टर्म बोलते हैं। और सेकंड कैटेगरी में होते हैं दो बेबीज दो इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन से अफेक्ट हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं स्मॉल फोर डेड बेबीज या स्मॉल फोर
जस्टेशन एज भी बोलते हैं इसको, लाइट फॉर डेट भी बोलते हैं इसको, और इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन भी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है स्मॉल फॉर डेट बेबीज की या फिर इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन की? ए बेबीज हुज बर्थ वेट फॉल बिलो 10th percentile, जिनका वेट 10th percentile से कम हो फॉर द पीरियड ऑफ जस्टेशन, मतलब जितना पीरियड ऑफ जस्टेशन है उसके अकॉर्डिंग उस जस्टेशन पीरियड में जितना नॉर्मल वेट होता है बेबी का उससे 10th percentile कम वेट होना, ठीक है। टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ स्मॉल फॉर डेड बेबीज का, देर आर 3 major types। पहला है माल नरिस्ट, सेकंड है हाइपोप्लास्टिक बेबी एंड तीसरा है मिक्स। तो पहला है माल नरिस्ट में क्या होता है, दिस बेबी अपीयर लॉन्ग थिन। तो माल नरिस्ट बेबी कैसे दिखाई देंगे, लॉन्ग दिखाई देते हैं, थिन दिखाई देंगे, अलर्ट दिखाई देंगे, स्किन लूजिंग इट नॉर्मल इलास्टिसिटी, ठीक है। तो नॉर्मल इलास्टिसिटी है वो नहीं रहेगी, स्किन लूज दिखाई देगी, एक्सेसिव स्किन फोल्ड्स दिखाई देंगे ओवर द बटक्स एंड थाई, ठीक है। और डिफरेंस द हेड एंड चेस्ट सर्कमफेरेंस इज मोर देन 3 centimeter, ठीक है। सेकंड हाइपोप्लास्टिक बेबीज में क्या होता है कि ऐसे बेबीज स्मॉल इन ऑल पैरामीटर्स, सभी पैरामीटर्स में स्मॉल होंगे, इंक्लूडिंग द हेड साइड भी उसका स्मॉल होगा, सेल नंबर्स रिड्यूस होंगे, पोस्टनेटल फिजिकली एंड मेंटल ग्रोथ इज पुअर, ठीक है। मिक्स्ड टाइप बेबीज में क्या होते हैं कि इसमें दोनों तरह के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देंगे, जो मतलब मालनरिश भी होंगे और हाइपोप्लास्टिक बेबीज भी होंगे। उसके बाद में इटियोलॉजी फॉर स्मॉल फॉर डेड बेबीज या लो बर्थ वेट बेबीज के कॉजेज क्या है, इटियोलॉजी क्या क्या है, तो मैटरनल हिस्ट्री, मैटरनल हिस्ट्री में क्या है, इथनिक रेशियल जियोग्राफिकल एरियाज, लो सोशियो एंड इकोनॉमिक स्टेटस, शॉर्ट स्ट्रक्चर ऑफ मदर, ठीक है। ये हो गया मैटरनल हिस्ट्री है। उसके बाद में मैटरनल माल नरिश, मैटरनल माल न्यूट्रिशन के कारण भी लो बर्थ वेट बेबीज हो सकता है, जैसे फूड डेप्रिवेशन पर्टिकुलर ड्यूरिंग द लास्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, व्हेन मदर इज अंडर नरिश्ड। उसके बाद में इंट्रा यूटेराइन इन्फेक्शन, किसी इन्फेक्शन के कारण जैसे टॉक्सोप्लाज्मोसिस, साइटोमेगलोवायरस डिजीज, रूबेला, आरपीज के कारण। फिर है प्लासेंटल डिसफंक्शन, तो मैटरनल प्रॉब्लम सच एज टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी में भी रेस्पॉन्सिबल फॉर प्लासेंटल डिसफंक्शन। उसके बाद में ट्वाइन प्रेगनेंसी हो तो, या फिर मैटरनल कोई डिजीज हो तो, या फिर जेनेटिक क्रोमोसोमल कोई डिसऑर्डर्स हो तो उसकी वजह से भी स्मॉल फॉर डेड बेबीज हो सकते हैं। उसके बाद में डायग्नोसिस, डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो कंफर्म बाय क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ बेबी, ठीक है, ऑब्जर्व द वेट एंड कंपेयर्ड विद जस्टेशन एज, एस्टिमेट द फीटल हेड एंड बॉडी साइज, ठीक है, एंड कंपेयर इट एंड ऑब्जर्व द क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। उसके बाद में रिस्क एंड प्रॉब्लम्स अमंग द स्मॉल फॉर डेड बेबीज, तो रिस्क या प्रॉब्लम क्या हो सकती है, तो एस्पायरेशन हो सकता है, एस्पायरेशन ऑफ मिकोनियम या एमनियोटिक फ्लूइड कर सकता है वो बेबी, या फिर एस्फिक्सिया हो सकता है एज ए रिजल्ट ऑफ सेरिब्रल एनोक्सिया। उसके बाद में फीटल हाइपोक्सिया हो सकता है, या फिर डेथ फ्रॉम प्लेसेंटल डिसफंक्शन, या सिम्टोमेटिक हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, पल्मोनरी हेमरेज हो सकता है, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन हो सकता है, पुअर टेम्परेचर रेगुलेशन होगा, हाइपरबिलरुबिनीमिया होगा, डिफिकल्टी इन फीडिंग एंड वेट गेनिंग, ठीक है, पॉलीसाइथेमिया फ्रॉम क्रॉनिक हाइपोक्सिया, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होगी उसमें सच एज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा, या इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज होगा। उसके बाद में मैनेजमेंट ऑफ लो बर्थ वेट या स्मॉल फॉर डेड बेबीज, प्रोवाइड रीससिटेशन टू बेबी विद एस्पायरेशन, अगर बेबी ने एस्पायरेशन किया कर लिया है तो उसको रीससिटेशन करेंगे, प्रोवाइड अर्ली फीडिंग विच प्रिवेंट द हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करने के लिए जल्दी से जल्दी उसको फीडिंग करवाएंगे, लीड रैपिड वेट गेन, ठीक है। प्रोफाइलेक्सिस अगेंस्ट आईवी इंट्रावेंट्रिकुलर
हेमरेज, ठीक है, अगर इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज है तो उसके अगेंस्ट में प्रोफाइलेक्सिस उसको देंगे, प्रोवाइड वेंटिलेटरी सपोर्ट देंगे, एंडोमिथासिन उसको देंगे 6 to 12 hours, प्रोवाइड विटामिन ई देंगे, मेटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन के स्पेशली व्हेन मदर इज ऑन फिनोबार्बिटोन या फिनाइटोइन, अगर मदर फिनोबार्बिटोन या फिनाइटोइन ड्रग थेरेपी पे है तो मदर को विटामिन के एडमिनिस्टर करेंगे। उसके बाद में स्टेरॉइड एंड आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन और फीटल प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन में आल्सो बी कैरिड आउट। उसके बाद में प्रिवेंशन ऑफ लो बर्थ वेट या स्मॉल प्रेग्नेंट बेबीज, तो प्रिवेंशन इसका कैसे करेंगे, फीमेल लिटरेसी एंड फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, फीमेल लिटरेसी एंड फॉर्मल एजुकेशन, एजुकेशन टू मदर बिफोर एंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, अवॉइड हार्मफुल एजेंट, एजुकेशन ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट टू प्रोवाइड द एडिक्वेट केयर ऑफ द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड रेफर टू ए हेल्दी नियर बाई हेल्थ सेंटर इन केस ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो मदर को एजुकेट करेंगे प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के दौरान, कोई भी उसको हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, कोई डिजीज़ है उसको, तो तुरंत वो डॉक्टर को दिखाएं और अवॉइड हार्मफुल एजेंट, मतलब जो घर पे ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट होते हैं जैसे दाई वगैरह होती हैं, उनको अवॉइड करें, हार्मफुल एजेंट्स को अवॉइड करें, ठीक है, और तुरंत हेल्थ केयर सिस्टम जो भी नियर बाई हैं वहाँ पे वो आके दिखाएं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, और हाई रिस्क प्रेगनेंसी में। और मैटरनल, उसके बाद सेकंड मैटरनल हेल्थ स्टेटस, एडिक्वेट न्यूट्रिशन ऑफ द फीमेल थ्रू द प्रेगनेंसी, फीमेल को थ्रू आउट प्रेगनेंसी एडिक्वेट न्यूट्रिशन देना चाहिए, गुड न्यूट्रिशन देना चाहिए, ठीक है, गुड न्यूट्रिशन मेंटेन कंटिन्यूसली गुड न्यूट्रिशन मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में एंटीनेटल केयर, एंटीनेटल चेकअप्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं, इसेंशियल होते हैं, ठीक है, जिससे कि हाई रिस्क अगर फैक्टर्स हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसी का, तो अर्ली उसका डिटेक्शन हो सके और उसका ट्रीटमेंट हो सके, ठीक है, सच एज इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन, हाइपरटेंशन, टॉक्सीमियाज और प्रेगनेंसी एंड देयर अर्ली इंटरवेंशन कैन बी अकर ऑफ आयुजिया, ठीक है। उसके बाद में मैटरनल इन्फेक्शन, ठीक है, प्रिवेंट द इन्फेक्शन सच एज मलेरिया एंड यूटीआई, तो ऐसे इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना चाहिए, ओके। तो ये हमने पढ़ लिया स्मॉल फॉर डेड बेबीज या लो बर्थ वेट बेबीज, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट टाइप है प्रीटर्म बेबी, जो इसका नेक्स्ट टाइप है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ओके, थैंक यू।